मिस्टर सेफ्रॉन वाइट के चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्लेस्टेशन 2 का एम्युलेटर का वीडियो ये ले आया हूँ। प्लेस्टेशन 2 के यानी PS2 के ऊपर ये वीडियो आपके लिए होने वाला है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ। जो PS2 के मोस्ट पॉपुलर गेम्स है उन गेम्स को आज की इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं। एक आपका मोस्ट पॉपुलर रेजिडेंट इवल एंड गॉड ऑफ वॉर, जो कि आज की इस वीडियो में हम दोनों गेम्स को ट्राई करने वाले हैं। पूरा का पूरा सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ, जो सेटिंग्स से आपके फोन के अंदर गेम स्मूथली चलने वाला है। ये जो आप इसके फोन देख रहे हो ये है रेडमी नोट 7 प्रो, जो कि है 4GB रैम के साथ में एंड स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर है और बहुत ज्यादा लो एंड डिवाइस भी नहीं कहूंगा, बट हाँ ये डिवाइस प्लेस्टेशन 2 के एम्युलेटर को यानी कि गॉड ऑफ वॉर 2 के गेम को चलाने के लिए कैपेबल है। और इसके अलावा आप PS2 के बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है तो आप अच्छे खासे FPS में तो नहीं, लेकिन हाँ एक प्लेबल FPS पे अपने गेम को खेल सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ विद द एंटायर ट्यूटोरियल। अच्छे से वीडियो देखना, कहीं पे भी कुछ भी मिस मत करना, अदरवाइज आपका गेम या तो लैग करेगा या फिर आपका गेम क्रैश भी कर सकता है। एंड एक और बात यार, खेल को लेना कहाँ से? खेल को लेने के लिए यार इंटरनेट पे एक्चुअली बहुत सारी वेबसाइट है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम एनीवेयर, राइट? एंड लेट्स गो फॉर द ट्यूटोरियल। एज यू कैन सी गाइज, आई गॉट द फाइल्स। ये फाइल्स आपकी रहने वाली है, जो दो फाइल्स है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है सबसे पहले एप्लीकेशन को। एंड गाइस लिंक्स की बात रही तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के सर्च कर सकते हो इस वीडियो का जो टाइटल रहेगा वो वाला, ठीक है? आपको ये दोनों फाइल्स मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद में बेसिकली मैं यहाँ पे एक बायोस की फाइल भी हमें मिलेगी, इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। अब ये बायोस की फाइल ना क्या करने वाली है कि आपके गेम के अंदर ना बायोस को एक्टिव करने वाली है। तो यहाँ पे हम फोल्डर में जाएंगे एंड यहाँ पे हम ना इन वाली फाइल्स को डिलीट कर देंगे जो पुरानी फाइल्स है। यहाँ पे देख सकते हो 2006 की जो फाइल है ना गाइस, ये वाली यहाँ 2006 लिखा है, ये वाली फाइल को हमें यहाँ पे सेव करके रखना है और जो बाकी की फाइल्स हमने सेलेक्ट करी है ना उनको यहाँ पे डिलीट कर दो, ठीक है? मैं यहाँ पे बाकी के फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ एंड ये वाली जो हमारी फाइल है ना जिसपे यहाँ पे लिखा है 2006, ये हमारी लेटेस्ट फाइल है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। एंड अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को जो मैंने इंस्टॉल किया है ना, और ये मेरे गेम्स है, ठीक है गाइज? ये मेरे गेम्स है जिसमें मैंने दो गेम्स रखे हुए हैं, अपने गॉड ऑफ वॉर और रेजिडेंट इवल 4, ठीक है? इन दोनों की आईसो फाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है। एंड अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, पे सर्च करने वाला हूँ एथर और मेरी एथर वाली एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आ चुकी है। एंड इस एप्लीकेशन को मैं सिंपली ओपन कर दूंगा। अब ओपन करने के बाद में ये यहाँ पे बोल रहा है वेलकम टू एथर SX2। ओके, यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा अगेन एंड ये बोल रहा है ऑप्टिमल सेट्स डिफॉल्ट, ठीक है? ये बोल रहा है यूज दिस इफ़ यू हैव मिड टू हाई एंड डिवाइस, और ये बोल रहा है यहाँ पे फास्ट अनसेफ यूज़ इफ़ यू हैव लो एंड डिवाइस। तो ये गेम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये बोलेगा। यहाँ पे सेटिंग्स में भी आ जाएंगे हम और इस सेटिंग्स को हम अनेबल कर देंगे जो कि एक्सपेंड टू कट आउट एरिया, ठीक है? अब यहाँ पे एम्यूलेशन स्क्रीन ओरिएंटेशन को मैं लैंडस्केप रखूँगा, ऑब्वियसली बात है लैंडस्केप हमें रखना है। एंड एस्पेक्ट रेशियो को मैं वाइड स्क्रीन रख दूंगा, वाइड स्क्रीन नहीं, मैं यहाँ पे रखूँगा स्ट्रेच, ठीक है? जिससे कि हमारा गेम पूरा स्क्रीन पे हमें दिखे, ठीक है? अब ना क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे अपने थीम्स को भी जो है चेंज कर सकता हूँ, जो कि मैं डार्क करूँगा, डार्क में प्रेफर करता हूँ। एंड दैट्स इट, हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें इंपोर्ट बायोस का ऑप्शन दिखेगा, इंपोर्ट बायोस पे हम क्लिक करके एंड हमने बायोस को इंपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे बायोस को इंपोर्ट? यहाँ पे उसी फोल्डर में जाएंगे एंड हमने जो फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया है ना उसी फोल्डर पे क्लिक करेंगे एंड यू हैव टू क्लिक दी सोनी, जो कि हमारी लेटेस्ट फाइल है, इसको हम सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे डन करेंगे। यू विल सी कि ये हमारी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है इन द एप्लीकेशन एंड हम इस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे। अब गेम डायरेक्टरीज पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे मेरे जहाँ पर मेरे गेम्स है ना वहाँ पे मुझे इसको जो है सेट करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये प्लस का बटन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं अपनी गेम्स में चला जाऊँगा। और मेरे गेम्स में जाने के बाद में हम देखोगे कि मेरे पास में ये दो गेम आ चुके हैं, मेरे रेजिडेंट ईवल एंड यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर, ठीक है? मैं इन दोनों का यहाँ पे इनको अलाउ कर दूंगा एंड यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, सेटअप कम्प्लीट आ जाएगा, नेक्स्ट फिनिश। ओके, तो गाइज यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों गेम्स आ चुके हैं और मैं यहाँ पे इनको दोनों को चेंज कर सकता हूँ, जिसमें से मेरा ये गेम है गॉड ऑफ वॉर और ये है मेरा रेजिडेंट ईवल 4,
ठीक है। अब मैं रेजिडेंट इवल को यहाँ पे ऑन करने वाला हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे गेम की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा गेम पे क्लिक करके, और यहाँ पे ना मैं कुछ सेटिंग्स को सेट करने वाला हूँ जिससे मेरा गेम लैग ना करे, क्योंकि ये हमारा डिवाइस 4GB रैम का है और स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिवाइस नहीं है। तो हम यहाँ पे अभी इसको जो है सेटिंग्स को हम कस्टमाइज़ करने वाले, हम जाएंगे जनरल सेटिंग्स में, एंड यहाँ पे जाने के बाद में मैं सेट ऑप्टिमल सेटिंग्स पे क्लिक कर दूंगा। अब ये अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग आपकी जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे फिक्स कर देगा, ठीक है। अगर आपको गेम लैग कर रहा होता है ना और, तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे ना आपको सेट फास्ट सेटिंग पे कर देना, ठीक है। ये आपका गेम इतना लैग नहीं करेगा। मैं ऑप्टिमल सेटिंग्स के साथ जा रहा हूँ, और यहाँ पे ऑप्टिमल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में, और सिस्टम सेटिंग्स में जाने के बाद में ना मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे आने के बाद ना मैं ग्राफिक सेटिंग्स में जाऊँगा। ग्राफिक सेटिंग्स में ना मैं यहाँ पे कुछ कस्टमाइज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अनेबल वाइड स्क्रीन पे पहले इसको अनेबल करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो FMV एक्सपेक्ट रेशियो को मैं यहाँ पे कर दूंगा वाइड स्क्रीन, ठीक है। अब ये वाइड स्क्रीन मैंने कर दिया जैसे कि हमारा गेम पूरा स्क्रीन पे यहाँ पे दिखे, ठीक है, कहीं पे भी ब्लैक बार्स ना दिखे। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना, मैं यहाँ पे आकर के नीचे एंड ब्राइटनेस लेवल को बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ब्राइटनेस हमारे गेम में मुझे ज़्यादा चाहिए। मैं ब्राइटनेस लेवल को बढ़ा दूंगा एंड सैचुरेशन को भी मैं बढ़ा दूंगा जिससे मेरा गेम कलरफुल ज़्यादा दिखे। अब ये करने के बाद में ना हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपल ऐसा ही रखने वाले हैं। और मैं यहाँ पे बैक आके एंड रेजिडेंट इवल को यहाँ पे मैं रन कर दूंगा। अब रन करने के बाद में ना गाइस ये हमारा जो गेम है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। अब गेम को स्टार्ट होने के बाद में अभी क्या करना है वो अच्छे से देख लो, ठीक है। हमारा गेम यहाँ पे चालू तो हो चुका है, अब यहाँ पे मेरे को यस करना है। बोल रहा है क्रिएट सिस्टम डेटा फाइल नाउ, यस हमें करना है। और विल यू फॉर्मेट नाउ, यस हम कर देंगे। और यहाँ पे हमारे सिस्टम में ही सेव हो जाएगा ये फाइल। हमारे सिस्टम में सेव होने के बाद में हमारा गेम यहाँ पे चालू हो जाएगा, एंड गेम स्टार्ट होने के बाद में ये यहाँ पे लोडिंग लेगा हैज़ यूजुअल। और यहाँ पे हम इस लोडिंग को स्किप करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, और हम यहाँ पे क्लिक करके हम देखते होता है कि नहीं। देखो हो चुका है यहाँ पे हमारा गेम चालू, एंड अभी मैं देखता हूँ। अब देख सकते हो गाइस हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक बार्स आ रहे हैं, और ये गेम की यार सेटिंग की प्रॉब्लम मुझे लगती है, क्योंकि मैंने अपनी साइड से सेटिंग्स को जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, बट फिर भी मेरे को ये आ रहा है। अब आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है, बट मुझे लगता है कि हमें ऐसे ही खेलना पड़ेगा अभी गेम को, बाद में हम इसको फिक्स कर सकते हैं। बट हमारा ये गेम स्टार्ट हो चुका है, मेन चीज़ ये है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना रेजिडेंट इवल 4 को जो है अच्छे से इंजॉय कर सकता हूँ, और यहाँ पे मुझे कंट्रोल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कंट्रोल्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। यहाँ पे हम फायरिंग के बटन पे कैसे क्लिक करेंगे, ओके, हमें ऐसे इसको जो है फायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंट्रोल्स को समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, और रेजिडेंट इवल हमारा 4 चल ही रहा है, और बिल्कुल स्मूथ, यानी कि मुझे अभी कोई इशू नहीं आ रहा है, बिल्कुल आराम से गेम हमारा चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे FPS शो नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ पे FPS भी शो कर दूंगा यहाँ पे क्लिक करके, एंड मैं जाऊँगा यहाँ पे सेटिंग्स के बटन पे। सेटिंग्स के बटन में जाने के बाद में ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद मैं शो FPS के बटन पे यहाँ पे इसको अनेबल कर दूंगा। ये मेरे FPS को अनेबल कर देगा। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे 29 FPS यहाँ पे आ रहे हैं, और जो कि मुझे लगता है ये सही है, इतने FPS तो आने ही चाहिए, क्योंकि यार फिर हमारा गेम अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, हमारा गेम तो अच्छे से चल गया है, मैं थोड़ा सा बैक आऊंगा, और बैक आके ना मैं अपने सेटिंग्स को यहाँ पे पहले मैं एग्जिट करता हूँ, और यहाँ पे ना मैं अपने इस वाले गेम को ही अभी मैं रन करने वाला हूँ। गेम प्रॉपर्टीज़ में जाके जनरल सेटिंग्स में जाके मैं इसको सेट करने वाला हूँ फास्ट सेटिंग पे। फास्ट सेटिंग पे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, इसको नीचे आकर के मैं सारे सेटिंग्स को वापस से पूरा करूँगा जो मैंने किया था, ठीक है। जैसे कि मैं ब्राइटनेस लेवल को यहाँ पे बढ़ा दूंगा और सैचुरेशन को बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें करने के बाद में ना मैं यहाँ पे अपने FPS को भी शो कर दूंगा। FPS शो हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं अपने एरिया को भी एक्सपेंड कर दूंगा, जो मेरा यहाँ पे एरिया है जिसे मुझे अपना पूरा गेम वाइड करना है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स के लिए मैं यहाँ पे नीचे आकर के एंड इसको मैं लैंडस्केप पे करूंगा, और उसके बाद में मैं थोड़ा और नीचे आऊँगा। सिस्टम सेटिंग्स में नहीं जाना है हमें, कहाँ पे जाना है, हमारे फुल सेटिंग्स किधर है। तो ये मैंने कुछ ऐसी सेटिंग्स करी है जहाँ पे मेरे को लगता है मेरा गेम अभी फिक्स हो जाना चाहिए। वाइड स्क्रीन को भी मैं अनेबल कर देता हूँ, एक्सपेक्ट रेशियो को मैं यहाँ पे स्ट्रेच करता हूँ पूरा,
और इसको भी मैं यहाँ पे वाइड स्क्रीन कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे गेम चला के देखता हूँ कि मेरा FPS में क्या यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे गेम स्टार्ट कर दिया है एंड हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको सेव करना भूल गया था तो हमें वापस से इसको लोडिंग स्क्रीन को स्किप करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे भी। सो लेट्स स्किप दिस। ओके एंड गाइज, यू कैन सी कि हमारे जो स्क्रीन है ना यहाँ पे ये फिक्स हो चुकी है। अभी हमारे ब्लैक पार्ट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, होप करता हूँ आगे भी ब्लैक पार्ट्स ना आए। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे ब्लैक पार्ट्स फिक्स हो चुके हैं एंड यहाँ पे मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। गेम स्टार्ट हो चुका है एंड अभी मुझे ये देखना है कि हमारे गेम में FPS कितने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा गेम यहाँ पे हमने बार्ड्स हटा दिए। ये बार्ड्स भी आप हटा सकते हो, सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद में यार हमारा गेम यहाँ पे जो है फाइनल स्टार्ट हो जाएगा और FPS आप देख सकते हो 11, 12, 13 FPS आ रहे हैं, जो कि मेरे सिचुएशन में यहाँ पे बिल्कुल अच्छे ग्राफिक्स नहीं है और प्लस मेरे कंट्रोल्स भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए थोड़े बहुत। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेटिंग्स को कर सकते हो, अगर आपको जैसे भी कस्टमाइजेशन चाहिए आप वैसा कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए ना मैं इसको गेम को सेव करके एंड एग्जिट कर देता हूँ और अभी मैं फाइनली अपने गॉड ऑफ वर को चलाने वाला हूँ, जो कि मेरा फेवरेट गेम भी है। मैं यहाँ पे गेम प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा एंड यहाँ पे ऑप्टिमल सेटिंग्स पे क्लिक कर दूंगा। नीचे आने के बाद में मैं FPS के बटन पे क्लिक कर दूंगा एंड डिस्प्ले अलाइनमेंट को मैं यहाँ पे कर दूंगा इम्यूलेशन को यहाँ पे मैं लैंडस्केप कर दूंगा। एंड मैं उसके बाद में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ना मैं अपने इसको जो है पूरा का पूरा स्क्रीन पे करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको पूरा स्क्रीन पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे सेटिंग ढूंढनी पड़ेगी और वो सेटिंग कहाँ गई है, यहाँ पे ही होनी चाहिए ग्राफिक सेटिंग में। तो हमें ग्राफिक सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो को मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर देता हूँ। स्ट्रेच करने के बाद में FMV को भी हमें यहाँ पे वाइड स्क्रीन कर देना है। वाइड स्क्रीन करने के बाद में अब मैं गॉड ऑफ वॉर को यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ एंड हमारा यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे हमारा गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे ओपन हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे चिट्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं बट अभी फिलहाल मैंने कोई चिट्स एक्टिवेट नहीं कर रखा है। गेम हमारा ओपन हो चुका है, FPS आप देख सकते हो ऊपर 59 FPS आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे गेम को स्टार्ट करता हूँ एंड हमारा यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गया है पूरी स्क्रीन में। ठीक है, देख सकते हो पूरी स्क्रीन में हमारा ये गेम स्टार्ट हुआ है, कहीं से भी ब्लैक बार नहीं दिख रहे। तो ये आप अपने हिसाब से भी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ। बेस्ट थिंग ये है कि मैं स्टोरी को स्किप नहीं कर सकता, तो स्टोरी को हमें देखना ही पड़ेगा। अभी मैं स्टोरी को देख रहा हूँ ताकि ये स्किप हो जाए, और स्किप होने नहीं वाली है। As you can see मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो FPS कितने आ रहे हैं, 35 FPS, 45 FPS आ रहे हैं और मेरा गेम यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ चल रहा है और फिलहाल के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। अच्छे से गेम स्टार्ट हो चुका है और अच्छे से गेम चल भी रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 4GB वाले एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर मैं अपनी गेम को यहाँ पे चला पा रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम और जस्ट एक सेटिंग को यहाँ पे मैंने करके। और आपको ज़्यादा सेटिंग्स के बारे में सर्च नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर देना है और आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग बेस्ट सेटिंग ऑटोमेटिकली जो है सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है अपने गॉड ऑफ वॉर को अपने फ़ोन के अंदर चला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, और सबसे बढ़िया चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आगे शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में, जिससे वो भी अपने गॉड ऑफ वॉर को यहाँ पे एंजॉय कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के साथ में। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, साइनिंग आउट।